1979 आशा जी से पंचम दा ने विवाह किया। कई बार ऐसा होता था कि कुछ धुने अगर वो सोचते थे तो उनमें आशा जी का बड़ा सहयोग होता था। एक बार गुलजार साहब एक गाना लिखकर लेकर आए और जैसे ही आर.डी. बर्मन साहब को दिखाया थोड़े से नाराज हो गए पंचम दा। उन्होंने कहा कि गुलजार साहब आप ये कुछ भी लिखकर लाते हैं, कल तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज लाकर मुझे देंगे और बोलेंगे कि पंचम गाना बनाओ। ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि गाने की वेडिंग थी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, तो ये गाना अभी नहीं मिला। तो इस गाने को जब उन्होंने देखा बोले ये कैसे, इसका म्यूजिक कैसे बन सकता है, गुलजार साहब बोले मुझे पूरा विश्वास है आप बना सकते हो। तो दोनों में ये बहस चल रही थी, इतने में आशा जी वहाँ पर बैठी हुई थी और उन्होंने वो कागज़ दिया, गुनगुनाना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया पंचम दा गुलजार साहब चुप हो गए, सुना, और पहली लाइन के गुनगुनाहट सुनने के बाद में पूरा म्यूजिक उसी चंद घंटों में पंचम दा ने कंपोज कर दिया। एक ऐसा ही बहुत ही प्यारा गाना जो हमारी बहनों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आशा जी का गाया हुआ। फिल्म इजाजत से आई हम सुनते हैं।